Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? तो guys, फरवरी का महीना आने वाला है. तो guys, जो फरवरी का महीना आने वाला है, उन फरवरी में जो 2023 इन साल में सबसे ज्यादा फोन लॉन्च होगा, वो भी फरवरी के मंथ में. और ये जो फोन है, मैं तीन से लेकर चार वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो है होगा, तो मैं चार वीडियो बनाऊंगा. तो गाइस, ये चार वीडियो में बना रहा हूँ. तो इन चार वीडियो में मैं चार कैटेगरी का फोन में डिटेल्स में मैं बताऊंगा. तो जो पहला जो डिटेल्स है, वो है 50,000 के बजट के अंदर जो फरवरी में लॉन्च होने वाला है जो फोन, और 20,000 के और 30,000 के. यानी देखा जाए तो 50,000 के बजट में जो फोन लॉन्च होगा फरवरी महीने में, 30,000 के बजट में जो लॉन्च होगा जो फोन फरवरी के महीने में, और 20,000 और जो ग्लोबली जो फोन लॉन्च होगा, सिर्फ चाइना और ग्लोबली, उसके बाद इंडिया में जो फोन हमें देखने को मिलेगा, सिर्फ वही चीजें जो फरवरी के महीने में आने वाला है. तो उसके वजह से वीडियो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो इसीलिए मैंने वीडियो को सोचा है कि छोटा छोटा करके मैं अपलोड करूंगा. तो चलिए, जो फोन, इतना सारा फोन मैंने टोटली रिसर्च करके, बहुत सारे लीक्स रूमर्स देख के, ट्विटर पर फॉलो करके, बहुत सारी कंपनी का जो वेबसाइट है उनमें जाके मुझे मिला है. मुझे बहुत दिन तक मुझे ढूंढना पड़ा कि कौन कौन फोन लॉन्च होगा, कौन कौन फोन किस महीने में लॉन्च हो सकता है, कौन कौन फोन कब लॉन्च होगा. तो इसीलिए गाइस, मुझे बहुत दिनों से काम करना पड़ा इस डिटेल्स को लेके. तो गाइस, बात ज़्यादा ना पड़ा कि हम पूरे डिटेल्स में आते हैं. तो गाइस, 50,000 बजट के अराउंड जो न्यू फोन लॉन्च होने वाला है, वो है सैमसंग गैलेक्सी का S23 Plus और S23 Ultra. ये जो तीन फोन है, मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में जाके हमें देखने को मिल सकता है. क्योंकि सैमसंग का जो S23 Ultra जो फोन है, वो फोन सबसे ज्यादा बेहतरीन कैमरा लेके आएगा, 200 मेगापिक्सल का कैमरा. और देखा जाए तो जो सैमसंग S22 जो हमने देखा था, जो 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा था उसके अंदर, वो चांद को भी जूम कर ले सकता था. पर अब देखा जाए तो S23 अल्ट्रा आने वाला है, तो उसका कैमरा मॉड्यूल बहुत ज्यादा हाई होगा, आईफोन से बहुत ज्यादा हाई है उसका कैमरा. क्योंकि S22 Ultra जो लॉन्च हुआ था, उसका कैमरा भी आईफोन से बहुत तगड़ा कैमरा है, बहुत तगड़ा कैमरा. तो वैसा ही होगा, आईफोन से बहुत ही बेहतरीन कैमरा में देखने को मिल जाए S21 Plus की तरफ से. जो 11 सीरीज ऑलरेडी देखा जाए तो 11 लॉन्च हो चुका है. अब जो 11 सीरीज का जो फोन है, अब हम देख सकते हैं. तो ये जो 11 जो लॉन्च होगा, OnePlus 11, उसके हमें अंदर देखने को मिल सकता है Snapdragon 8x2 6.7 इंच का AMOLED 120Hz डिस्प्ले, 50MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, और 5000mAh का बैटरी, और भी 100W चार्जर के साथ. जो OnePlus जो अपने पहले फोन में 100W चार्जर हमें देखने को मिल सकता है, वो है OnePlus 11. जिसके लिए मैंने पहले भी दो वीडियो बना चुका हूँ, और फिर मैं आके और एक वीडियो बना रहा हूँ, वो है ओप्पो की तरफ से ओप्पो फाइंड एन, जो फ्लिप फोन उन्होंने बहुत दिनों पहले ही इनोवेशन कर चुका था, जो ग्लोबली ऑलरेडी देखा जाए तो लॉन्च हो गया था, पर अभी हमें इंडिया में भी देखने को नहीं मिल रहा था. अब हमें इंडिया में देखने को मिलेगा. वो बहुत दिनों के संघर्ष में आके उन्होंने फाइनली अपने फ्लिप फोन लॉन्च करने की कगार पे है. वो इंडिया में हमें खूब जल्दी देखने को मिलेगा. तो इसके लिए स्पेसिफिकेशन है, जो ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप जो फोन होगा, उसकी हमें देखने को मिलेगा अंदर जो मीडियाटेक गैलेक्सी का 9000 प्लस का सबसे मीडियाटेक का ये जो प्रोसेसर है, सबसे ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है जो माउंट 9000 प्लस का जो प्रोसेसर, और 6.8 इंच का 120Hz एमोलेड डिस्प्ले होगा, 50+8MP का कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और 44W का चार्जर, वो भी जो बैटरी अराउंड है उसके अंदर, वो है 4300mAh का बैटरी. ये जो 50,000 के बजट में मैं जितने सारे फोन बता रहा हूँ, तो वो अब अग्री फोन है, वो है Xiaomi की तरफ से Xiaomi 13 सीरीज का 13 प्रो. ये जो फोन है Xiaomi के सबसे ज्यादा क्लियर फ्लैगशिप फोन में से एक माना जा रहा है, और इसके जो डिटेल्स है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. पर कैमरा की बात अगर मैं करूँ तो Xiaomi उतना ज्यादा कैमरे के ऊपर ध्यान नहीं देता है, पर इस फोन के अंदर कैमरा मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा बढ़िया हो सकता है, क्योंकि बजट भी इतना है तो कैमरा भी उतना ज्यादा वैल्यू भी होता है सब लोगों के लिए. तो इसके जो डिटेल्स है, Xiaomi 13 Pro, जो 13 Pro का जो फोन है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, वो है Snapdragon 8Gen 2. ये जो Snapdragon का जो 8Gen 2 प्रोसेसर है, सबसे ज्यादा तगड़ा प्रोसेसर, बहुत तगड़ा और लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर है. क्योंकि Snapdragon 1 का जो Gen 2 है, वो है 11 लाख के आसपास, और ये जो Snapdragon जो 8Gen 2 है, इसका प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, आईफोन के जो A14 या फिर ये जो 15 जो बायोनिक चिप है, उसके अराउंड देखा जाए तो बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है ये जो 8Gen 2 का जो प्रोसेसर है Snapdragon का.
और इसके जो डिस्प्ले हमें देखने को मिल सकता है वो है 6.73 इंच का 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले, 50 एमबी का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, 120 वाट का चार्जर, और इसके जो बैटरी बैकअप है जो हमें लगता है कि जो बैटरी है वो है 4802 एमएएच का बैटरी, और ये फरवरी के मिड रेंज में जाके या फिर मार्च के महीने में पहले हमें देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये जो 50,000 के अंडर में जो न्यू फोन लॉन्च होने वाला है, जो मैंने जो चार फोन बताया है, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, ओप्पो फ्लिप जो फोन मैंने बताया है, Xiaomi 30 सीरीज का फोन और 30,000, ये जो चार फोन जो लॉन्च होगा न्यू 50,000 के बजट में जो फरवरी से लेके मार्च के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, ये सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर के साथ आएगा, कैमरा भी अच्छा है, चार्जर भी बहुत ही अच्छा है, और देखा जाए तो ये जो फोन है ये फोन सबसे ज्यादा उसके कंपनी के अराउंड सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल फोन अब तक के लिए। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ गाइस मैंने बताया कि ये जो वीडियो है सबसे बहुत ही बड़ा होगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो को मैंने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो ये जो 50,000 के अराउंड ये मेरा पहला है, और दूसरा आएगा वो 30,000, और उसके बाद आएगा 20,000, फिर आएगा ग्लोबली चाइना ग्लोबली जो लॉन्च होगा वो फरवरी से लेकर मार्च के अंदर, तो मैंने चार कैटेगरी में वीडियो बनाया है, तो वीडियो बहुत ही लंबा होगा, इसीलिए मैंने ये जो पहला पार्ट है मैं इसका बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, और जो वीडियो भी आएगा उसको भी जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि लगातार ये जो चार वीडियो है एक साथ में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है,